What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 6 नवंबर 2019 वेनसडे है, सुबह के 7:56 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा टेक्निकली RSI वर्सेस प्राइस एक्शन में डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे थे, नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो इससे प्राइस एक्शन में भी सेम पैटर्न हमें कल देखने को मिला। ऊपरी स्तर पे जहाँ पे लास्ट 3 दिन से डोजी कैंडलस्टिक बन रहा था, कल एक प्रेशर देखने को मिला और जैसे ही एक डिप मिला तो फिर से बुल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए और उसने फिर से रिकवर करने की कोशिश की। लेकिन क्या अभी बेयर्स के ऊपर फुल कंट्रोल आया है बुल्स का? क्या लेवल्स होंगे आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रेजिस्टेंस के, और नीचे सपोर्ट के क्या लेवल्स बन रहे, ये देखेंगे। और इंट्राडे के लिए, आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, ये भी आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये पिक्चर है कल का, यानी 5 नवंबर आफ्टर मार्केट RSI पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,957 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,927। तो ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कल निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था यहाँ पर, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट था इसी के पास ये ओपन हुआ था। तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता, और जैसे ही ये साउथ की तरफ ये फिसला तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ, और उसके बाद फर्स्ट टारगेट 11,905 ये अचीव्ड हुआ, सेकंड टारगेट 11,876 ये भी यहाँ पर अचीव्ड हुआ। यहाँ से इसने सपोर्ट टेस्ट करके एक थोड़ी सी रिकवरी दिखाई और ऊपर की तरफ आके बंद हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 38 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 28,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स, नासडैक और यूरोपियन मार्केट भी देखे तो हल्के से बढ़त के साथ कल बंद हुए, हरे निशान में बंद हुए, पॉजिटिव संकेत है। लेकिन आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो आप देख रहे हैं कि जापानीज इंडेक्स और चाइना मार्केट हल्के से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ज़्यादा तेजी नहीं है, हल्की सी बढ़त है। हांगकांग मार्केट में 55 पॉइंट की गिरावट है। डाउ फ्यूचर देखे तो 19 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, और SGX निफ्टी भी 27 पॉइंट के गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो कल ग्लोबल मार्केट थोड़े से पॉजिटिव थे, लेकिन आज जब शुरुआत हो चुकी है एशियाई मार्केट थोड़े से दबाव में ट्रेड कर रहा है। तो आज क्या निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। यह है वीकली चार्ट। जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स को ड्रॉ किया था, और अभी ये जो 76.4 का ये जो लेवल है ये अभी सपोर्ट का काम कर सकता है, 11,872। ऊपर में लास्ट जब यहाँ से फॉल आया था ये इस लेवल से अराउंड 11,976, इसका एग्जैक्ट आया था 11,981। तो यहाँ से एक प्रेशर इस बार भी देखने को मिल रहा है। जहाँ से पास्ट में एक फॉल आता है, जहाँ से स्विंग हाई बनता है, वहाँ पर फ्यूचर में भी एक रेजिस्टेंस, एक हर्डल होने की संभावना रहती है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ये जो फॉल आया था 11,981, इसी के आसपास 12,000 के आसपास एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। और अगर इसके ऊपर ये निकलता है तो जो लाइफ टाइम निफ्टी का हाई था, यानी 12,104 के पास ये जो निफ्टी का हाई था लास्ट टाइम का, तो ये नेक्स्ट हर्डल हो सकता है। इसी के पास 100% का ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल आ रहा है। तो ये दो रेजिस्टेंस के बिग हर्डल्स हो सकते हैं निफ्टी इंडेक्स के लिए आगे बढ़ने के लिए। और पास्ट में अगर एक पैटर्न को देखें, यहाँ पर जो फॉल आया था ये कभी था अराउंड सितंबर 2008 में, तभी एक यहाँ पर पैटर्न बना था, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा था। सेम पैटर्न अभी कल यहाँ पर ये डेली चार्ट में बना हुआ है, हैंगिंग मैन, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो अभी ये सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये ब्रेक करता है 11,872, जो कि कल का लो के आसपास था, अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें 11,723 के पास दिखाई देगा,
जहां से ये जो बिग अपसाइड मूव आया था इसने रेजिस्टेंस भी 11,700 के पास फेस किया था और काफी दिनों तक 11,700 एक हर्डल बना था, ठीक है। तो ये 11,700 नेक्स्ट सपोर्ट, स्ट्रांग सपोर्ट होगा अगर ये 11,872 को अगर ब्रेक करता है तो। यहाँ पर हमें इंडिकेशंस मिल रहे थे कि यहाँ से निफ्टी इंडेक्स वीक हो सकता है क्योंकि लगातार 3 दिन यहाँ पर दोजी कैंडलस्टिक बन रहा था और अभी हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक जैसा पैटर्न बना हुआ है। सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं है, लो ब्रेक करने का वेट करना होगा। नीचे RSI भी देखे तो ओवरबॉट जोन में पहुंच गया था 70 के ऊपर, तो थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर टेक्निकली ये जो ओवरबॉट जोन में आता है RSI तभी एक बार प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 70 के पास आने के बाद यहाँ से करेक्शन आएगा जोरदार, क्योंकि ओवरबॉट कैन बिकम एक्सट्रीम ओवरबॉट, यहाँ से और भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है अगर 12,000 के ऊपर निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है तो। तो ये लेवल्स है डेली और वीकली चार्ट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल हमने देखा था डाइवर्जेंस, आर्ली चार्ट में क्लियरली हमें डाइवर्जेंस दिख रहे थे, ये प्राइस एक्शन में हायर हाइज बन रहे और RSI में यहाँ पर लोअर हाइज बन रहे, ये क्लियरली निगेटिव डाइवर्जेंस देखे थे। उसके मुताबिक प्राइज एक्शन में भी कल हमें एक छोटा करेक्शन देखने को मिला। तो आज क्या सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल भी देखेंगे। अगर निफ्टी इंडेक्स टुवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो फर्स्ट तो ये मूविंग एवरेज जो है 20 EMA का ये सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके नीचे ये लेवल जो है जहाँ से हमने ये गैप अप ओपनिंग देखा था अभी 2 दिन पहले, तो इसका इनिशियल लेवल जो था वो अराउंड 11,900 के पास था। तो 11,900 और 20 EMA को अगर कंफर्टेबली निफ्टी इंडेक्स ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,884, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और सेकेंड टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का S1 का लेवल, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया था इसने, फिर ये रेजिस्टेंस जाके इसने यहाँ पर ये सपोर्ट का काम किया था, तो ये हमारा सेकेंड लेवल बन सकता है। और ऊपर फर्स्ट टारगेट यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये गैप जो क्रिएट हुआ था और ये जो दिन है 30th October, यहाँ पर ये गैप अप ओपन हुआ था और यहाँ से ही हमें प्रेशर देखने को मिला था, तो ये लेवल भी रेजिस्टेंस और आगे जाके फ्यूचर में यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,884 और सेकंड टारगेट होगा 11,858। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो कल का हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल था, कल हमने देखा था ब्रेकडाउन लेवल, यहाँ पर पास्ट में इसने रेजिस्टेंस फेस किया था और बाद में ये 2 दिन पहले भी इसने जब ये ऊपर से नीचे आया था तो फिर से ऊपर जाते वक्त यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था। तो कल का ब्रेकडाउन लेवल आज हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। तो इसके ऊपर 11,926 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,952, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि कल हमने 2 दिन पहले यहाँ पर देखा इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन नहीं हो पा रहा था आर्ली चार्ट में, तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था आर्ली चार्ट में ये लेवल 11,952। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का R1 का लेवल 11,976, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।